नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। आमतौर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बीमारी से हैं। पिछले दो महीने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वायरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन दो महीनों में भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। 130 करोड़ देशवासियों से, आप सब से कुछ मांगने आया हूं। मुझे आपके आने वाले कुछ सप्ताह चाहिए। आपका आने वाला कुछ समय चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाय नहीं सुझा सका है और न ही इसकी कोई वैक्सीन बन पाई है। ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़नी बहुत स्वाभाविक है। दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वायरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है, वहां अध्ययन में एक और बात सामने आई है। इन देशों में शुरुआती कुछ दिनों के बाद अचानक बीमारी का जैसे विस्फोट हुआ है। इन देशों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार इस स्थिति पर, इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने आवश्यक निर्णय भी किए और अपने यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट करके स्थिति को संभाला है और उसमें नागरिकों की भूमिका बहुत अहम रही है। भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश के सामने, और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रयत्नशील देश हैं, और हम जैसे देश पर कोरोना का यह संकट सामान्य बात नहीं है। आज जब बड़े बड़े और विकसित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं, तो भारत पर
इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला संकल्प और दूसरा संयम। संकल्प और संयम। आज 130 करोड़ देशवासियों को अपना संकल्प और दृढ़ करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मार्केट में घूमते रहेंगे, सड़कों पर जाते रहेंगे और कोरोना से बचे रहेंगे, मैं समझता हूं ये सोच सही नहीं है। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। जितना संभव हो सके आप अपना काम, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो सके तो अपने घर से ही करें। जो सरकारी सेवाओं में हैं, अस्पताल से जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, इनकी सक्रियता तो आवश्यक है, लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को, खुद को बाकी भीड़भाड़ से, बाकी समारोह से आइसोलेट कर लेना चाहिए। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। इस रविवार यानि दो दिन के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। साथियों, संकट के इस समय में आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारी आवश्यक सेवाओं पर, हमारे हॉस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए।
ताकि हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को, हमारे डॉक्टरों को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को इस महामारी के लिए प्राथमिकता देने की सुविधा बने। और इसलिए मेरा सभी देशवासियों से आग्रह यह भी है कि रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए, जितना बच सके बचना चाहिए। संकट के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए, आपके घर ना आ पाए, ऐसे में उनका वेतन न काटे, पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन में नवरात्रि का पर्व आ रहा है, ये शक्ति उपासना का पर्व है। भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को लेकर के आवश्यक संयम का पालन करते हुए आओ, हम भी बचें, देश भी बचाएं, जग को भी बचाएं। फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा जनता कर्फ्यू के लिए, मैं आग्रह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।